तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अब लिखा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है आपको अबाउट मीडियन बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसके हिसाब से अपन समझ लेंगे क्या क्या बनाना है अबाउट मीडियन मीन डेविएशन का मीन डेविएशन का फॉर्मूला अबाउट मीडियन का होता है सिग्मा एफ आई और यहां जाता xi -m आ जाता है एक्स आई माइनस एम आ जाता है यहाँ पर और अपॉन में सिग्मा एफ आई लिखो चाहे एन लिखो बात एक ही है जैसे यहाँ पे फॉर्मूले uh, में एन लिखा होता है एन सिग्मा एफ आई ये होता है मतलब यहाँ पे हमें मीडियन निकालना पड़ेगा आइए निकालते हैं सबसे पहले ना हम क्लास इंटरवल लिख लेते हैं सबसे पहले क्लास इंटर लिखे क्लास इंटर दिया जीरो से टेन और फिर दिया है टेन से ट्वेंटी टेन से ट्वेंटी और फिर दिया है ट्वेंटी से थर्टी फिर दिया है थर्टी से फोर्टी और फिर दिया है फोर्टी से फिफ्टी और फिर दिया है फिफ्टी से सिक्सटी दिया है क्लास इंटरवल ठीक है अब आगे बनाएंगे क्लास इंटरवल की मदद से एक्स आई मैंने आपसे सिखाया था पिछले क्वेश्चन में भी कि एक्स आई कैसे निकाला जाता है इनकी मिड वैल्यूज से तो जीरो और टेन के बीच में आता है फाइव फिर इसमें आ जाएगा फिफ्टीन फिर ट्वेंटी थर्टी के बीच में आ जाएगा ट्वेंटी फाइव और फिर आ जाएगा थर्टी फाइव फिर आ जाएगा फोर्टी फाइव और फिर आ जाएगा फिफ्टी फाइव इसका मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन टू जैसे लोअर लिमिट है जीरो जैसे मैंने बताया था जीरो से टेन अगर लिखा है तो ये लोअर है लोअर लिमिट ये है अपर लिमिट तो लोअर प्लस अपर अपॉन टू तो ये फाइव आ जाएगा तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ की है ठीक है तो मैंने आपसे बताया था जैसे ही आपको क्लास इंटरवल देखेगा तो आपको पहले तो उसकी मिड वैल्यू से एक्स आई निकालना है फिर एफ आई आपको क्वेश्चन गिवन होगा नंबर नंबर ऑफ गर्ल्स ये एफ आई है ये दिया है सिक्स फिर दिया है एट फिर दिया है फोर्टीन फिर दिया है सिक्सटीन फिर दिया है फोर और फिर दिया है टू ठीक है अब इसके बाद क्या कॉलम बनाना होगा फॉर्मूला बताएगा मैं फॉर्मूला कहता XI -M है भैया एक्स आई माइनस एम चाहिए हर एक्स आई की वैल्यू को एम से आपको सबट्रैक्ट लगाना है अब एक्स आई की वैल्यूज तो मेरे को याद दिख रही है ये है ना एक्स आई की वैल्यू अब हर एक्स आई की वैल्यू को मीडियन से सबट्रैक्ट लगाना है तो मीडियन पहले निकालना पड़ेगा अब क्योंकि क्वेश्चन क्यों, क्लास इंटरव्यू वाला है मीडियन तो का फॉर्मूला हमने पढ़ा था मीडियन का फॉर्मूला मीडियन का फॉर्मूला टेंथ में पढ़ा था हमने मीडियन का फॉर्मूला था एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ एन टू एच ये होता था फॉर्मूला ठीक है अब इसमें सारी वैल्यूज़ कैसे भरी जाती थी मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले सबसे पहले तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना पड़ता था क्या निकालना पड़ता था क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने इसी एक्सरसाइज में पीछे के क्वेश्चन में निकाला था शायद आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जब भी आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना हो तो पहली फ्रीक्वेंसी कॉपी हो जाती है सिक्स का यहाँ पे सिक्स आ जाएगा फिर डायगनली प्लस होता है डायग्नली प्लस होता है सिक्स प्लस एट कितना हो जाएगा फोटीन फिर फोर्टीन प्लस फोर्टीन कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट फिर ट्वेंटी एट प्लस सिक्सटीन कितना हो जाएगा फोर्टी फोर फोर्टी फोर प्लस फोर कितना हो जाएगा फोर्टी एट और फिर फोर्टी एट प्लस टू कितना फिफ्टी अच्छा मैंने आपसे एक और चीज बताया था मैंने बोला था जो लास्ट वाला सी एफ होता है और जो सिग्मा एफ आई होता है सेम होता है लास्ट वाला सी एफ कितना है फिफ्टी आप इनको प्लस कर लो तो फिफ्टी आएगा तो सिग्मा एफ आई बोलो चाहे एन बोलो बात एक ही होती है सिग्मा एफ आई बोलो चाहे एन बोलो बात एक ही होती है इस चीज को ध्यान रखिएगा अब यहाँ पे लिखा है एन बाई टू वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ ढंग से देखना ढंग से देखना

सेवन्थ टर्म से लेकर फोर्टीन टर्म तक इसमें आ गए। फोर्टीन के बाद क्या आता है फिफ्टीन फिफ्टीन टर्म से लेकर ट्वेंटी एट टर्म तक इसमें आ गए फिफ्टीन टर्म से लेकर ट्वेंटी एट टर्म तक इसमें आ गए फिर आता है ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन टर्म से लेकर फोर्टी फोर टर्म तक इसमें आ गए फिर आता है फोर्टी फाइव फिफ फोर्टी फिफ्थ टर्म से लेकर फोर्टी एट तक इसमें आ गए फिर फोर्टी नाइन टर्म से लेकर फिफ्टी तक इसमें आ गए समझा है यहाँ लिखा है ट्वेंटी फाइव तो आपको देखना ट्वेंटी फिफ्थ टर्म किसमें आएगा देखो फिर से इसमें वन टू सिक्स आएगा इसमें सेवन टू फोर्टीन आएगा इसमें 15 टू 28 आएगा 15 टू 28 और अपना क्या 25 15 टू 28 तो ये हम सिलेक्ट कर लेंगे ये वाली चीज हम सिलेक्ट कर लेंगे ये वाला ये वाला जो रो है ये हम सिलेक्ट कर लेंगे इसको सिलेक्ट कर लेंगे ठीक है इसको हमने सिलेक्ट कर लिया क्यों क्योंकि देखो 25 इसी में आएगा अब इसमें बस आपको ना इस फॉर्मूले में ना वैल्यू पुट करनी पड़ती है इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी पड़ती है वैल्यू तो आइए मैं समझाता हूँ क्या क्या वैल्यूज इसमें आएंगी सबसे पहले इसमें लिखा है एल 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 का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ सिलेक्टेड क्लास ध्यान से सुनना एल एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ सिलेक्टेड क्लास तो यहां पे सिलेक्टेड क्लास कौन सी ट्वेंटी से थर्टी इसका लोअर लिमिट क्या होगा ट्वेंटी लोअर लिमिट ऑफ सिलेक्टेड क्लास ठीक है जो भी सिलेक्ट किया ना उसका लोअर लिमिट प्लस एन बाई टू एन बाई टू कितना है ट्वेंटी फाइव है सर माइनस सी एफ ढंग से सुनना सी एफ ये ये वाला जो CF होता है टिव फ्रिक्वेंसी प्रिसीडिंग का होता है में ये ये सब पढ़ा था सुनो ये जो होता होता है ये cumulative frequency होता है ये का 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 इसका cumulative frequency preceding का। तो cumulative frequency preceding का, जो हमने सिलेक्ट किया है ना उसमें cumulative frequency 28 है लेकिन इसमें क्यूमलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है पिछला तो क्यूमु कौन सी आ जाएगी फोर्टीन अपॉन स्मॉल एफ स्मॉल एफ मतलब स्मॉल एफ मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी सिलेक्टेड की तो सिलेक्टेड की फ्रीक्वेंसी कितनी है देखो फोर्टीन सिलेक्टेड की फ्रीक्वेंसी है फोर्टीन इन टू एच एच मतलब होता है क्लास गैप क्लास विथ एच का मतलब होता है क्लास विथ जो आप सिलेक्ट किया ना उस इंटरवल की देखो चौड़ाई कितनी है बीस से तीस तक में गैप कितना है दस है बीस से तीस में गैप कितना है दस क्या आप समझ गया फिर से बताता हूँ दसवीं में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था इस एल का मतलब होता था लोअर लिमिट ऑफ सिलेक्टेड क्लास ये जो हमने सिलेक्ट किया है ना ये ट्वेंटी फाइव की मदद सिलेक्ट किया

सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा वन हंड्रेड टेन यहाँ पर नहीं आएगा ये आएगा ट्वेंटी क्या आ जाएगा ट्वेंटी प्लस वन हंड्रेड टेन अपॉन 14 तो आइए वन हंड्रेड टेन को 14 से डिवाइड लगा देते हैं फोटीन से फोर्टीन इंटू सेवन होता है नाइन्टी एट बचेगा इसमें ट्वेल्व और आ जाएगा ज़ीरो फिर डेसिमल लगाना क्योंकि मैंने एट ये आ जाएगा वन वन टू और एट और जीरोगाट फाइव ट्वेंटी सेवन पॉइंट एट फाइव ठीक है अब मीन डिवेशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला कहता है मीन डिविएशन अबाउट मीडियन मीन डिवेशन अबाउट मीडियन अब मीन डिविएशन अबाउट मीडियन अबाउट मीडियन इसका फॉर्मूला कहता है ये होता है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम अपॉन सिग्मा एफ आई ये होता है फॉर्मूला अब फॉर्मूला हमें क्लियर बता रहा है कि भैया आपको पहले एक्स आई माइनस एम निकालना है फिर उसका एफ आई से इंटू करना है तो आइए सबसे पहले अब एक्स आई माइनस एम निकाल लेते हैं हर एक्स आई को मीडियन से सप्ट्रैक करते हैं एक्स तो आई है यहाँ पर फाइव और मीडियम है ट्वेंटी सेवन पॉइंट एट फाइव फाइव तो माइनस और मॉड लगा रहता है। यहाँ पे क्या लगा रहता है मॉड नेगेटिव में आंसर आएगा तो उसे पॉजिटिव कर करेंगे तो आ जाएगा ट्वेल्व करेंगे तो आ जाएगा टू पॉइंट एट फाइव फिर थर्टी फाइव को माइनस करेंगे तो कितना ट्वेंटी तो एट

इंटू एक्स आई माइनस एम ये बनेगा तो हर एफ आई को एक्स आई माइनस एम से इंटू करना है जैसे पहला है टू टू एट फाइव इंटू सिक्स तो यहाँ कर देता हूँ टू टू एट फाइव इंटू सिक्स डेसिमल हटा के कर रहा हूँ डेसीमाल लगा देता हूँ लास्ट में देखो फाइव थर्टी थ्री कैरी फोर्टी एट फिफ्टी वन फाइव कैरी फाइव इंटू टू सॉरी सिक्स इंटू टू ये ये क्या था सिक्स इंटू फाइव थर्टी था थ्री कैरी और फिफ्टी आता बिल्कुल सही सिक्स इंटू टू ट्वेल्व सेवनटीन वन कैरी और सिक्स इंटू टू ट्वेल्थ थर्टीन अब डेसिमल कितने प्लेस बाद दो प्लेस पर आता है तो यहाँ आ जाएगा वन थ्री सेवन वन थ्री सेवन पॉइंट वन जीरो ऐसे ही आप सारे हर एफ आई को हर एफ आई को एक्स आई माइनस एम सी इंटू करके यहाँ लिखो पॉज करता हूँ मैं जल्दी से लिख लो और फिर इसका प्लस कर लो क्योंकि हमें क्या निकालना है समीशन निकालना है क्या निकालना है समीशन तो जल्दी से करिए मैं भी लिख देता हूँ तुरंत तो ये मैंने लिख दिया है आइए अब फॉर्मूले में रख देते हैं इनको इनको रख देते हैं फॉर्मुले में तो फार्मूला कहता है मीन डिविशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम चेक कर लीजिएगा आपका यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो फाइव वन सेवन पॉइंट वन जीरो अपॉन सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई यही है एन की वैल्यू है फिफ्टी तो यहाँ पे रख दिया और इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो टेन पॉइंट थ्री फोर आ जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन